produce a land. एक बार फिर जीटी लाइन का जो मॉडिफिकेशन है वैगन आर पे हम देख रहे हैं, बट ये बार इट इज़ नॉट द LXi CNG, दिस इज़ द फर्स्ट VXi CNG जो हमारे चैनल पे हम शूट देख रहे हैं। जो न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है वैगन आर का, वो VXi में भी CNG वेरिएंट आपको ऑफर करता है, बट किस तरीके से जो VXi में भी एक्सेसरीज कंपनी दे रही है वो ZXi की जितनी नहीं है। यानी कि जो स्टेयरिंग हमको लगता है VXi में वो ZXi के जैसा दिखता तो है, बट उसमें कंट्रोल्स नहीं है। टायर तो 14 इंच के हैं, बट व्हील कैप ही आपको लग के आते हैं, अलॉय व्हील नहीं है। जो हमारे पावर विंडो तो लग के आती है, बट वो पावर विंडो जिस पैनल में लग के आती है दैट इज़ ब्लैक, दैट इज़ नॉट इन द स्टाइलिंग किट फॉर्मेट। टेप लग के आता है, बट इट इज़ नॉट अ टच स्क्रीन। रिवर्स कैमरा सपोर्टेबल नहीं आता है। स्पीकर आते हैं, बट दो ही आते हैं गाड़ी में। साइड मिरर्स आते हैं गाड़ी में, बट वो फोल्ड नहीं होते हैं, उनमें इंडिकेटर्स नहीं आते हैं। तो LXi टू ZXi के तो बहुत मॉडिफिकेशंस हमने देखे, बट VXi टू ZXi प्लस का मॉडिफिकेशन हमको करना है। तो आज का मॉडिफिकेशन है किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि मिरर्स ये गाड़ी में लग के आते थे, बट वो फोल्ड नहीं होते हैं लॉक करने पे, उसमें इंडिकेटर्स नहीं हैं। रिप्लेस करके हमने लगाए हैं ZXi के मिरर, जिसमें इंडिकेटर्स भी हमको ऑफ़र होते हैं। किस तरीके से डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। एंड ये आपने बटन अंदर दबाया, इट्स अ लॉक, एंड बटन आपने दबाया, इट्स अ ओपन। सो फोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये मिरर्स दिखते हैं, बट इसमें मोटराइज्ड का फंक्शन नहीं आता है। स्टेयरिंग जो हमारी गाड़ी में लग के आता था वो इस तरीके का कुछ आता है। इसको रिप्लेस करके ये आज का वीडियो स्पेशली स्टेयरिंग के ऊपर है। द जीटी लाइन एक्सक्लूसिव स्टेयरिंग हमने इसके अंदर फिट किया है। एयरबैग आपका निकलता है और इसमें लग जाता है। बात हो रही है इस होल्डिंग रिंग की। कंट्रोल्स तो चलो हमने लगाए हैं जो ZXi में आते हैं, बट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग। ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, साइड में प्योर लेदर का वर्क एंड विद द पर्शियन ग्रीन वर्क इन द सेंटर। स्टेयरिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसका जो ग्रिपिंग का मज़ा है दोस्तों, जो गाड़ी चलाने का प्लेजर है, प्लस जो साइड में प्योर लेदर है, प्लस जो इसका लुक है, प्लस स्टेयरिंग पे कंट्रोल है, नेक्स्ट लेवल चीज़ ये आती है जो इसमें हमने लगाई है। सो चाहे मिरर हो वो ZXi के हैं, चाहे स्टेयरिंग हो वो ZXi के हैं, पावर विंडो कंपनी फिटेड है, खाली उसको स्टाइलिंग किट हमने लगाई है जो मार्बल फिनिश मारुति की जेन्यून आती है। मिरर के पहले जो स्विच थे उसमें ये नहीं था, खाली ये था। हमने मिरर भी नए लगाए हैं, स्विचेस भी लगे नवे लगाए हुए हैं। टायर 14 इंच के ही आते हैं, तो अलॉय व्हील्स डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। आप LXi लेते हैं तो आपको टायर भी अपग्रेड करना। सो टायर 14 इंच के लगे हुए थे, खाली अलॉयज हमने लगाए हैं जो मारुति के ओरिजिनल हैं, बट अलॉय का जो सेंटर लोगो है किस तरीके से पर्शियन ग्रीन हाइलाइटेड है आप लोग देख सकते हैं। एक बाहर के लुक को जीटी लाइन मॉडिफिकेशन में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। क्या है
ये जीटी लाइन एक मॉडिफिकेशन है जिसमें अलॉय व्हील हमने लगाए हैं जो मारुति के ओरिजिनल है। टायर के ऊपर ये व्हील आर्क्स लगाए हैं जो मारुति के ओरिजिनल है। अंडर बॉडी स्कर्टिंग लगाई है जो मारुति की ओरिजिनल है, ब्लैक एंड सिल्वर हाईलाइटेड विद द पर्शियन ग्रीन बॉर्डर। आगे एंड पीछे के डिफ्यूज़र्स हमने लगाए हुए हैं जो पियानो ब्लैक विद वाइट हाईलाइटेड विद अ पर्शियन ग्रीन स्ट्राइप किस तरीके से है। बट जो लुक है, जो जान है गाड़ी की, इज़ द जीटी लाइन ग्रिल जो 1, 2, 3, 4, 8, 12 एंड 16 बार ये जो वाइट का लुक हमें मिल रहा है विद अ पर्शियन ग्रीन सुजुकी लोगो विद द लोगो इन द बोनेट विद द जीटी लाइन बैजिंग, ये लुक देख सकते हैं। DRLs हमने लगाई हैं जो हेडलाइट पे आईब्रो फॉर्मेट में आती है। बल्ब अपग्रेड किए हैं हेडलाइट के भी एंड फॉग लाइट के भी, किस तरीके से इसकी जो रोशनी हमको मिल रही है रोड पे, जिसमें येलो लाइट भी है वाइट लाइट भी है, ये ऊपर एंड नीचे दोनों येलो लाइट है इसकी रोड पे रोशनी हम देख सकते हैं, एंड ऊपर एंड नीचे दोनों वाइट लाइट है इसकी भी रोशनी आप लोग देख सकते हैं। बट जो एक गाड़ी का लुक है, एक ग्रिल के साथ, एक डिफ्यूज़र के साथ, एक DRLs के साथ, एक ब्लैक बॉर्डरिंग्स के साथ कैरियर हमने लगाया है, बट कोई बोल नहीं सकता है कि ये कैरियर है। गाड़ी के कलर का आता है वाइट, स्पॉइलर हमने लगाया है पीछे का वाइट, पीछे का जो डिफ्यूज़र है दो एग्जॉस्ट के साथ क्रोमियम बॉर्डर के साथ, जो लुक आ रहा है गाड़ी के ऊपर, इतनी वैगनार्स हमने बनाई हैं, बट ये आज दिन तक की मेरी फेवरेट रही है। अगर एक्सटीरियर इतना अच्छा है तो इंटीरियर भी आप लोग सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से पर्शियन ग्रीन एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है टॉप गियर का, ये गाड़ी के अंदर हमने किया हुआ है। यू कैन जस्ट सी द सीट कवर्स विच हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑफ द टॉप गियर ब्रांड पर्शियन ग्रीन, एंड उसमें भी ये एक्स्ट्रा कंफर्ट जो आपको ऑफर होता है। तो चाहे आर्म रेस्ट हो पर्शियन ग्रीन है, चाहे नेक पिलो हो वो पर्शियन ग्रीन है, चाहे फ्लोर मैट हो नीचे की पाँव रखने वाली, टॉप गियर की 70 मैट्स आती हैं रेगुलर। अगर आप देखते हैं 70 मैट्स 3,500-4,000 की पड़ती है, सो टॉप गियर की 8,000 की पड़ती है। बट इसकी खास बात है ये हैंड स्टिच्ड आती है, एंड ये बटन वगैरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हनीकॉम्ब इसमें आता है जो नेट स्ट्रक्चर्ड है, पर्शियन ग्रीन का बॉर्डर आता है, एकदम ऊपर तक कवर करती है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर तक ये जा रही है। बट जो गाड़ी को एम्बियंट लाइट से हमने लुक दिया हुआ है डार्क मोड में, किस तरीके से ऑल द फोर डोर्स, एंड देख सकते हैं कि पाँव रखने वाला सेक्शन, बॉटल रखने वाला सेक्शन एम्बियंट लाइट से इल्यूमिनेटेड है। सी द लुक ऑफ द कार। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स जो दरवाज़ा खोलने पे वैगनार का नाम एंड इल्यूमिनेशन डोम कट्स के साथ आती है। इंडिकेटर जो हमारे इधर आते हैं साइड में भी हमने इल्यूमिनेटेड साइड बेंड्स जो रेंज रोवर में आते हैं किस तरीके से हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं। DRL का लुक देख सकते हैं नाइट में, एंड बेस्ट पार्ट म्यूज़िक सिस्टम जो गाड़ी में लगाया है। ये गाड़ी में रेगुलर हमारा मारुति का जो ओरिजिनल आता है इसको रिप्लेस करके किस तरीके से नेट प्ले का प्लेयर लगाया हुआ है। आगे ऑडिसन के स्पीकर्स हैं, हर्ट्स के कॉम्पोनेंट्स हैं एक जोड़ी पीछे जो हमने लगाए हुए हैं, इसका आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हर्ट्स के कंपोनेंट हैं हमने लगाए हैं आगे, एंड ऑडिसन के जो हमारे को एक्शियल्स हैं वो लगे हैं पीछे। इसका इफ़ेक्ट भी हम लोग सुनेंगे। रिवर्स कैमरा भी ब्लॉपंग का हमने लगाया है जो नंबर प्लेट के ऊपर। गैस टैंक कवर, क्योंकि VXI में भी अगर अभी CNG आ गई है तो गैस टैंक कवर है। डिक्की आप खोलेंगे तो वो बाटला दिखता नहीं है। स्टेपनी कट के साथ है। स्पीकर दो ही आते हैं गाड़ी में, बट बहुत बेसिक एंड पेपर कॉइल आते हैं। तो VXI भी अगर आपकी हो तो उसको किस तरीके से GT लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके सामने अभी एक बड़ा क्वेश्चन क्या है कि जूने व्हील कैप निकलेंगे, जूना टेप निकलेगा, जूने मिरर निकलेंगे, उसका क्या है? तो हर उस चीज़ का वो बैक आपको हम देते हैं। तो किस तरीके से ये मॉडिफिकेशन है ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। इन कस्टमर का भी इंटरव्यू हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। थैंक यू।